नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमनदीप और हिमाचल फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज है 9 मार्च। उम्मीद है आप सभी लोग खुश होंगे, पढ़ रहे होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में अब बहुत सारी भर्तियां निकल रही है और बहुत सारे एग्जाम्स भी कंडक्ट किए जा रहे हैं, तो दोस्तों आपको पढ़ते रहना है और हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है ताकि रोजाना आपको हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स के अपडेट मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं आज के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसको हिमाचल प्रदेश के DGP यानी कि पुलिस महानिदेशक का कार्यभार सौंपा गया है। तो इसका सही जवाब है IPS संजीव रंजन ओझा जी को। दोस्तों हाल ही में हिमाचल प्रदेश के DGP का कार्यभार IPS संजीव रंजन ओझा जी को सौंपा गया है। दोस्तों DGP होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। दोस्तों हालांकि आप जानते होंगे कि हमारे DGP यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का नाम है श्री संजय कुंडू, परंतु वो 13 दिन के लिए छुट्टी पे जा रहे हैं, इसलिए उनके DGP पद का कार्यभार श्री संजीव रंजन ओझा जी को सौंपा गया है। दोस्तों IPS संजीव रंजन ओझा जी हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग के डायरेक्टर जनरल प्रिजन एंड करेक्शनल सर्विसेज के पद पे तैनात है और हाल ही में उनको DGP पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। तो दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि उनको DGP नियुक्त कर दिया गया है, उनको बस 13 दिन के लिए DGP पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। इसके अलावा जिस पोस्ट में वे खुद तैनात है उसका कार्यभार भी उनको देखना होगा। इसके अलावा बताया जा रहा है कि संजय कुंडू जी भी अगले महीने रिटायर होने जा रहे हैं, तो इसके बाद नए DGP की नियुक्ति होनी है और संजीव रंजन ओझा जी को सीनियोरिटी लिस्ट में ऊपर बताया जा रहा है। तो आने वाले 1 महीने बाद संजीव रंजन ओझा जी परमानेंटली DGP नियुक्त हो सकते हैं। बाकी समय ही बताएगा कि हिमाचल प्रदेश सरकार अगला DGP किसको नियुक्त करती है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की ओर, जो कि है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश के HRTC विभाग ने किस रूट पर वंदे भारत बस सर्विस का शुभारंभ किया है। तो इसका सही जवाब है जिला ऊना के अंब इंदौरा रेलवे स्टेशन से पालमपुर तक। दोस्तों हाल ही में हिमाचल प्रदेश के HRTC विभाग ने प्रदेश की पहली वंदे भारत बस सेवा की शुरुआत की है। यह बस पालमपुर से नगरोटा व कांगड़ा होते हुए जिला ऊना के अंब इंदौरा रेलवे स्टेशन तक जाएगी, जिसका मेन उद्देश्य वंदे भारत ट्रेन के पर्यटकों को जिला कांगड़ा तक लाना और ले जाना है। बताया जा रहा है कि HRTC विभाग द्वारा इस बस का संचालन वंदे भारत ट्रेन के समय सारणी यानी कि टाइमिंग के हिसाब से होगा। वर्तमान में HRTC की तरफ से वंदे भारत ट्रेन के समय के हिसाब से किसी भी बस का संचालन नहीं हो रहा। ऐसे में वंदे भारत से ऊना और अंब पहुंचने वाले यात्रियों को टैक्सी और ऑटो का सहारा लेकर बस अड्डे पर पहुंचना पड़ रहा है और इसके बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए उनको बस अड्डे पर घंटों का इंतजार करना पड़ता है। मेरे हिसाब से यह बस सर्विस चलाना बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि इससे एक तो हिमाचल प्रदेश के HRTC विभाग को फायदा मिलेगा, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश घूमने आने वाले पर्यटकों को भी काफी सुविधा मिलेगी, जिससे और पर्यटक हिमाचल प्रदेश की ओर अट्रैक्ट होंगे। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में बाकी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के लिए भी हिमाचल प्रदेश HRTC विभाग द्वारा ऐसे ही बस रूट शुरू किए जाएं, ताकि हिमाचल प्रदेश घूमने आने वाले पर्यटकों को हिमाचल प्रदेश में आने जाने की बेहतरीन सुविधा मिल सके। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर, जो कि है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए केंद्र सरकार की ओर से 43 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। तो इसका सही जवाब है जिला ऊना के दौलतपुर चौक रेलवे स्टेशन के लिए। दोस्तों हाल ही में जूनियर मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी ने बताया है कि भारत सरकार के रेलवे विभाग ने 43 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश के दौलतपुर चौक रेलवे स्टेशन के डेवलपमेंट के लिए सैंक्शन किए हैं, जिसकी मदद से दौलतपुर चौक रेलवे स्टेशन पर कवर्ड कोच वॉशिंग लाइन, लिविंग क्वार्टर्स और अदर जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। दोस्तों अगर बात की जाए दौलतपुर चौक रेलवे स्टेशन की, तो यह जिला ऊना का लास्ट रेलवे स्टेशन है। यह रेलवे स्टेशन हिमाचल पंजाब बॉर्डर पे बना हुआ है और इसे फर्दर पंजाब के तलवाड़ा रेलवे स्टेशन तक एक्सटेंड किया जा रहा है, जिसके कंप्लीट हो जाने के बाद ऊना जिला को जलंधर पठानकोट सेक्शन के साथ रेलवे कनेक्टिविटी मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।